सेबी ने पल्स के निवेशकों को किया सचेत, फर्जी ईमेल से बचने की दी सलाह। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना आई है जो आज 16 जनवरी की एक लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट 16 जनवरी 2020, पूरी खबर नई दिल्ली बाजार नियामक सेबी ने पीएसईएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को फर्जी ईमेल से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि उसने रिफंड से जुड़े मामलों के लिए न तो किसी व्यक्ति को अधिकृत किया है और न ही कोई अधिकृत पत्र जारी किया है। सेबी ने विज्ञप्ति में कहा कि सेनावृत्ति न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति को पीएसईएल निवेशकों से शिकायत मिली है कि उन्हें सेबी पल्स सेबी रिफंड से ईमेल मिल रहे हैं, जिससे उनसे रिफंड के दावे के लिए आवेदन फॉर्म भरने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा ईमेल में कथित तौर पर सेबी द्वारा जारी अधिकृत पत्र भी शामिल है और रिफंड से जुड़े मामले के लिए रविशंकर आईएएस को नामित किया है। आगे खबर है कि सेबी ने इस संबंध में कहा कि यह सूचित किया जाता है कि उसके रिफंड से जुड़े मामलों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत नामित नहीं किया गया और न ही कोई अधिकृत अधिकार पत्र जारी किया है। नियामक ने निवेशकों को इस तरह के ईमेल से सतर्क रहने की सलाह दी है, चौकस रहने की सलाह दी है, सावधान रहने की सलाह दी है। आगे कहते हैं, कृषि और रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर जनता से पैसे जुटाने वाली पीएसईएल की सेबी ने अवैध सामूहिक निवेश योजना CIS के माध्यम से 18 साल में 60 करोड़ रुपए से अधिक का धन जुटाया पाया गया था। सेनावृत्ति न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने पीएसईएल के निवेशकों ने 5,000 रुपये तक के दावों के लिए वापसी की प्रक्रिया शुरू की थी। अब तक 3.81 लाख निवेशकों का पैसा वापस किया जा चुका है। हालांकि कुछ आवेदनों में कुछ कमियां पाई गई हैं, इस वजह से उनका निपटारा नहीं किया जा सका। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको सचेत किया जा रहा है कि ऐसे गलत ईमेलों से बचें। दोस्तों, इसके बारे में मैं अपनी 2 वीडियो पहले भी डाल चुका हूं और उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा कि यूट्यूब पर जो इस वक्त न्यूज़ें आ रही हैं दोस्तों, उन न्यूज़ों में ज़्यादातर फेक न्यूज़ होती हैं और उसी के बारे में यहाँ पर सेबी ने आप लोगों को सचेत किया है और कुछ आगे ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।